भाई साहब, मुताहिर आप सबके सामने बड़ा हुआ है। आप सब मुताहिर को जानते हैं और फिर बच्चे भी तो एक दूसरे को जानते हैं। बाहर कहीं भी रिश्ता करेंगे, अनिका के लिए आप भी परेशान रहेंगे और मैं मुताहिर के लिए, तो इससे बेहतर ऑप्शन तो हमारे पास कोई और हो नहीं सकता। तो इसलिए अनिका के लिए हाँ करते हैं। हाँ सैमा, कह तो तुम ठीक रही। भाई लेकिन मुताहिर की जॉब, भाभी मुताहिर की जॉब को लेकर आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप सब जानते हैं मेरा मुताहिर कितना लायक है, कितना मेहनती है, जॉब के लिए अप्लाई किया होगा, इंशाल्लाह अच्छी जॉब हो जाएगी उसकी। सायमा की बात मेरे दिल को लगी, क्योंकि मैं अनिका के मामले में खासा परेशान हूं। किसी गैर पे भरोसा नहीं कर सकता। घर की बच्ची है, घर में रह जाएगी, ये तो बहुत अच्छा रिश्ता है। सुल्ताना तुम बताओ, तुम क्या कहती हो? भाभी मैं क्या कह सकती हूँ, आपने और भाई ने हमेशा हमारा अच्छा ही सोचा है। तुमने भी हमेशा हमारा मान रखा है। अगर मेरा छोटा भाई जिंदा होता तो मुझे इतनी फिक्र ना होती, लेकिन अब तो अनिका की सारी जिम्मेदारी मुझ पे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई माशाल्लाह, आज तो बड़ी रौनक लगी हुई भाभी। शफीक भाई आप बड़े अच्छे वक्त पर आए। अच्छा है, आपसे भी राय ले लेते हैं। अरे इसकी क्या राय लोगी तुम? इसे तो स्कूल के सिलेबस के अलावा कुछ पता ही नहीं। हाँ ये बता सकता है कि इस किताब में क्या लिखा है और उस किताब में क्या नहीं लिखा, और तो इसे कुछ पता नहीं। साइमा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। वैसे भी पहला रिश्ता जो आता है वो अल्लाह की नेमत होता है, हमें यूं बिला वजह रिश्ता नहीं ठुकराना चाहिए। आप देखिएगा बड़ी भाभी, मुताहिर अनिका को बहुत खुश रखेगा, और सुल्ताना भाभी अनिका को मैं बहू नहीं बेटी बनाकर रखूंगी इंशाल्लाह। सुल्ताना जी भाई, अरे खुशी के मौके पे सबका मुंह मीठा कराओ, कोई चाय का इंतजाम करो। जाओ शाबाश। जी जी सुल्ताना भाभी, ये ले जाए, इसको सर्व कीजिए। भाई जान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बहन का मान रख लिया। मैं इसी उम्मीद के साथ आई थी कि आप मेरा मान कभी नहीं तोड़ेंगे।